नमस्कार, मैं सुरक्षा रस्तोगी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्टार न्यूट्रिशन जिम ने हेल्थ क्लब खोलने की मांग की। शहर में चल रहे 250 जिम और हेल्थ क्लब संचालक भुखमरी के कगार पर हैं। कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन ने इस जिम क्लब को बंद कर दिया है। तब से आज तक शहर के सभी जिम और हेल्थ क्लब बंद हैं। आज जिम संचालकों ने स्टार न्यूट्रिशन के तत्वावधान में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, मांग की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 शिफ्ट में जिम चलाने की अनुमति दी जाए। बस जिम संचालकों ने कहा कि भवन का किराया, बिजली बिल, स्टाफ की तनख्वाह की देनदारी है, ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। भुखमरी की कगार पर हैं, लगभग 3 माह हो चुके हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य व्यापारी और दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है। रोस्टर के अनुसार जिम संचालकों को भी हेल्थ क्लब खोलने की अनुमति दी जाए। इस मौके पर मुसाइद्दीन हुसैन, अम्मार हुसैन, साहिद हुसैन, नवाजिद अजहरी, राहुल शिवा कुमार आदि ने ज्ञापन देकर जिम खोलने की मांग की। मेरा नाम मुशाहिद खान है। हम बरेली से हैं, यहाँ से और ओल्ड सिटी से। हम सारे जिम वाले, बरेली शहर के सारे जिम वाले यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं इस वजह से कि हम काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम सब यहाँ पे आए हैं ताकि हमारे जिम खोलने की अनुमति दी जाए। जबकि सारा बाज़ार खुल चुका है, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो फिर हमारे जिम बंद क्यों हैं? हमारी फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं, 50-50 हज़ार रेंट हैं जिमों के जो हम भर नहीं पा रहे हैं। ट्रेनर की सैलरी, और एक ट्रेनर की सैलरी कितनी होती है? 10 हज़ार में वो अपना घर का घर चलाता है, और 3 महीने से कुछ भी नहीं है उसके पास। ना उसकी सारी सेविंग जितनी भी थी वो खा के खर्च कर चुका है, तो ना तो सेविंग है ना कुछ है। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारे जिम वाले मिलके परेशान हैं कि हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो हम चाहते हैं, हम ये गुहार लगा रहे हैं आज DM साहब के आज ऑफिस में आए कि हमें, हमारी भी सुनी जाए और हम, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें भी कोई ऐसी गाइडलाइन दी जाए जिसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। एक बॉडी बिल्डर जो है वो बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करना जानता है क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर अनुशासित रहता है हर चीज़ से, डाइट से, वर्कआउट से, सोना उठना, हर चीज़ का उसका टाइम टेबल बना होता है। तो हमें अगर कोई गाइडलाइन सरकार देगी तो हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे और उस चीज़ को हम बिल्कुल फॉलो करके उस चीज़ का पालन करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमारी भी सुने, हम लोगों की भी सुने और हमारी बात उनके यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमें सही से हमारे बिजनेस और इन सब चीज़ को लेके देखा जाए थोड़ा सा। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।